अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। अल्लाह से दुआ है कि आप सब जहां रहें खुश रहें, खैरियत से रहें। मैं भी बिल्कुल ठीक हूं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है। और अल्लाह से दुआ है कि आप सब हमेशा खुश रहें, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ आप सबके रिस्क के हलाल में बरकत हो। आमीन सुम्मा आमीन। आज की छोटी सी बात यह है कि अपनी खुशी का आगाज बाप को गले लगा कर करें। याद रखें, बाप बूढ़ा होकर नहीं मरता, अकेला होकर मरता है। ठीक है दोस्तों, तो अपने वालदैन की बहुत कदर करें, खासकर अपने वालिद की। आपको सही मशवरा देते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो उनको कभी भी अकेले ना छोड़ा करें। ठीक है दोस्तों, तो चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आज की रेसिपी बना लेते हैं। आज मैं बना रही हूँ श्रेडेड चिकन विद मसाला। तो ये एक नई रेसिपी है, अच्छी रेसिपी है, पसंद आएगी आप सबको, झटपट बनने वाली है। तो चले देख लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की क्या क्या हमें इसके लिए ज़रूरत है। तो ये मैंने लिया है चिकन, ये बोनलेस चिकन है, 300 ग्राम के करीब है मेरे पास। उसके अलावा मैंने लिया है ये, इसमें ज़्यादा ग्रीन चिली का इस्तेमाल है। मैंने दो तेज़ वाली ग्रीन चिली लिया था और चार जो है मैंने कम स्पाइस वाली लिया था। ठीक है, तो इसको भी मैंने कट कर लिया। ये जिंजर गार्लिक को मैंने चॉप कर लिया, क्रश कर लिया था। जिंजर गार्लिक है 2 टी स्पून। और मैंने दो बड़ी अनियन लिया था, इसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया। इसके अलावा कुछ मसाले हैं, ये मसाले आप देख लें। ये इसमें सॉल्ट है 1/2 टी स्पून, ये कुटी हुई मिर्चें हैं क्रश चिली, ये भी 1/2 टी स्पून है। ये हल्दी है, टर्मरिक पाउडर, ये 1/2 टी स्पून है। जीरा है साबित, ये भी 1/2 टी स्पून है। 1 टेबल स्पून है धनिया, कुटा हुआ धनिया। और इसमें साथ में मैंने थोड़े से ब्लैक पेपर भी डाले, ब्लैक पेपर और धनिया। इसको दोनों को मैंने हल्का सा रोस्ट करके मैंने इसे कूट लिया है, क्रश कर लिया है। ठीक है, और ये अलग थोड़ा सा है, ये है 1/2 टी स्पून से कम है, 1/4 टी स्पून के करीब ये सॉल्ट है। और 1/2 टी स्पून मैंने लिया है टर्मनिक। इसको मैं चिकन में डाल के पहले चिकन गला लेती हूँ। चूल्हे पे मैंने रख दिया है इसको, टर्मनिक पाउडर और सॉल्ट डाल के, ताकि जाए टेंडर हो जाए। ये देखें, इसका पानी सारा खुश्क हो गया है, फ्लेम ऑफ कर दिया। और इसको ठंडा होने के बाद इसको मैं श्रेड कर लूँगी। 1/4 कप के बराबर ऑयल डाल दिया है, इसमें थोड़ा सा मैं ब्लैक पेपर ऐड करूंगी और इसके साथ ही मैं डाल दूंगी अनियन ऐड कर दूंगी। इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी जिंजर गार्लिक, इसको डाल दूंगी इसी में। हमें इसको ज़्यादा कलर नहीं देना है, बस हल्का सा फ्राई हो जाता है। फिर मैं इसमें मसाले ऐड कर दूंगी। टमाटर मैंने कट कर लिया है, ये मसाले सारे ये ऐड कर दूंगी। ठीक है, सॉल्ट आप देख के ऐड कीजिएगा, क्योंकि 2 टाइम्स सॉल्ट ऐड हो रहा है। एक दफ़ा हमने चिकन को जब बॉईल किया था, जब ऐड किया था, एक दफ़ा भी तो मैंने 1/4 टीस्पून दोनों टाइम पे डाला था। ये सारे मसाले इसमें ऐड कर दूंगी। और इसको अच्छे से मैं भून लेती हूँ, ताकि मसाले के कच्चापन दूर हो जाए। अच्छे से भून गया हमारा मसाला, और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था 2 टेबल स्पून के बराबर। जैसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैंने मसाले को थोड़ा सा भून लिया है, तो मसाले का कच्चापन ख़त्म हो गया है। तो अब मैं ऐड कर दूंगी इसमें टमाटर, जो मैंने टमाटर लिया है 2 अदद टमाटर, ये ऐड कर देती हूँ। और थोड़ा सा ग्रीन चिली जो मैंने लिया है ये ऐड कर दूंगी। दो मिनट के लिए मैं ढक देती हूँ, ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए, उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, देखें 2 मिनट हो गया, मैं इसे निकालती हूँ। टमाटर ने अपना पानी जो है ना वो अच्छे से रिलीज कर दिया है, अच्छे से सॉफ्ट हो रहा है। अब मैं इसमें
श्रेड किया हुआ चिकन ये ऐड कर देती हूँ। और थोड़ा सा गरम मसाला मैंने लिया है, हाफ टी स्पून से कम है, क्वार्टर टी स्पून के बराबर गरम मसाला है, ये ऐड कर दूंगी। गरम मसाला ऐड कर दिया और ये मेरे पास हरी धनिया है कोरिएंडर लीफ, उसे कट करके ये ऐड कर दूंगी और 2 मिनट तक इसको रखूंगी और ये हमारा रेडी हो जाएगा। आप पराठे के साथ इसको खाएं, आप इसको साइड डिश के तौर पे दाल चावल के साथ इसको लें, बहुत अच्छा लगेगा ये आपको। ढक देती हूँ ताकि चिकन में भी अच्छा सा फ्लेवर आ जाए और हमारी सारी चीज़ों में एक दूसरे का फ्लेवर आ जाए, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये हमारा तकरीबन रेडी हो गया है, बस मैं चूल्हा ऑफ कर देती हूँ, इसमें ज़्यादा इसको और ज़्यादा नहीं भूनूंगी, थोड़ा सा ये ऐसी रहे, हल्का सा ग्रेवी वाला रहेगा तो आपको पराठे के साथ और चपाती के साथ बहुत अच्छा लगेगा खाने में। ठीक है, इसका फ्लेम ऑफ कर देती हूँ और इसको मैं डिश आउट कर लेती हूँ। मैंने इसे डिश आउट कर लिया, ये एक बहुत ही मज़ेदार टेस्टी सी चिकन बनी है। ये आप रोटी के साथ या ब्रेड के साथ, पराठे के साथ, इवन के दाल चावल के साथ भी आपको बहुत ही अच्छी लगेगी रेसिपी। ठीक है, रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, इसे भी प्रेस कर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर किसी और अच्छी रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होती हूँ। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।